हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा है स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत जनों के कमेंट आ रहे थे, गोल्ड विडो बिल्डो पता नहीं क्या की कोक के बल्कि इसकी टेस्टिंग करो, तो आज आ गया अपना गोल्ड विडो की टेस्टिंग करने, बल्कि ओवरऑल हम इन सब की टेस्टिंग करने वाले हैं। ये ओनली रॉकेट है, तो सिर्फ कोक ब्रांड के, कोक ब्रांड समझ रहे हो ना। तो फ्रेंड्स चलो, अभी सबके मैं रेट भी बता दूंगा। वैसे मैं सिंपल बता दूं, जो भी बॉक्स के ऊपर लिखा है उसको आप आधा कर लो, वो इसका रेट है, ठीक है ना। बल्कि बताऊं ना बताऊं एक बराबर है, फिर भी एस्टिमेट बता दूंगा कि ये आपको इतने का पड़ेगा, वो आपको इतने का पड़ेगा, वो आपको इतने का पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करें। अगर आपने परचेज करना है, गबरू से संपर्क कर सकते हो। दिल्ली में कोक बैन है, यहाँ पे कोई हरियाणा में कोक बैन नहीं है, शा गया गबरू। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको मैं कोक के जितने भी रॉकेट आते हैं वो सारे दिखा दूँ, अगर इसमें कोई मिस है तो कमेंट करके बता देना आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स ये है ओनली कोक ब्रांड के, कोक आपको पता ही होगा, तो कोक ब्रांड के सारे रॉकेट है, आज इनकी टेस्टिंग करने वाले। सबसे पहले मुझे कमेंट आ रहे थे इसकी, तो रात को मैं इसी की टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, इसी को चला के दिखाऊंगा, इसका सारा एक्सपीरियंस दिखाऊंगा कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। तो चलो सबसे पहले हम प्राइस बताते हैं। जो कोक की सबसे स्टार्टिंग की वाली रहती है ये सबसे छोटी रहती है, उसके बाद ये बिसल वाली मेरी सबसे फेवरेट वाली मैं बता देता हूँ, बल्कि ये तो मुझे अच्छी लगती है, पर ये प्रीमियम अपने बजट से बाहर है। मुझे सबसे बेस्ट ये लगती है बिसल वाली, ये वाली बिसल की है और ये वाली बिसल की है, उस पर तोपर तोड़, मतलब कि मैं जब से पटाखे चला रहा हूँ तब से मैं ये कंटिन्यू चला रहा हूँ, मतलब कि आपसे लगा लो कि सात साल से चला रहा हूँ, तो ये मैं हर एक साल चलाता हूँ, ये सबसे बेस्ट लगती है मुझे। और इसमें पटाखा नहीं बजता, ये बिसल मारती है, और इसकी बिसल से ज़्यादा बेटर मुझे इसकी बिसल लगती है। तो फ्रेंड्स चलो अब इनके रेट बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो कि बिसल वाली इसमें दो इंक्लूड है, जैसे कि ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो अभी ये पेपर लगाओ जिसके कारण शाइन हो रहा है, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले मैं इनके रेट बताऊँगा। आप ये एक बॉक्स का रेट देख लेना, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कोक की है ये छोटी वाली, इसके ऊपर इन्होंने ये लिखा है रॉकेट, तो इसका एक बॉक्स का रेट है गया यार, आप चेक कर सकते हो 247, ठीक है। अब 247 का हाफ कर लो जितना भी होता है, ठीक है, बल्कि आप लगा लो इसको कि 125 रुपये का या 27 रुपये के बीच में होगा ये एक एक रॉकेट का डब्बा 125 रुपये के आसपास होगा ये, ठीक है ना। तो एक रॉकेट का डब्बा ये 125 रुपये के आसपास होगा, ठीक है। उसके बाद बिसल का दिखा देता हूँ, ये मेरा फेवरेट है। आप एक बार लोगे ना तो बार बार लोगे और मुझे याद भी करोगे, ठीक है ना। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है। उसके बाद इसका प्राइस हैगा या कुछ दिखा देता हूँ, इसका प्राइस हैगा 363 रुपये, ठीक है, 363 रुपये का। और इसका एक हाफ कर लो कितना है, ये ओवरऑल मेरे हिसाब से 180 रुपये के पास पड़ेगा, 180 या इसके आसपास ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पड़ेगा 180 रुपये के आसपास, ठीक है। जो भी MRP है 50% डिस्काउंट कर लो, और ये अभी की डेट है, जैसे जैसे अक्टूबर आएगा फिर नवंबर को दिवाली है तो इनके जो डिस्काउंट है वो कम होते जाएंगे, जैसे कि अभी 50% पे आपको मिल रहा है, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब जैसे फिर 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और जो होलसेल रेट वाले जैसे कि दुकानदार बेचते हैं इनको MRP पे बेचते हैं, कोई आपका नॉन है तो वो 10% आपको या 5% लेस कर देता है, मतलब कि 100-200 रुपये छोड़ देता है। अब आ जाते हैं ये वाली जो ग्रीन स्टार है, तो आपने ये चलाया होगा, ये मोस्टली सारे जने चलाते हैं जिसको ग्रीन स्टार बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रीन स्टार छोड़ता है ये। तो अभी हम ग्रीन स्टार की बात करते हैं, ये स्टार मेरे ऊपर गिर गए, ये ज़्यादा ही दीवानियाँ हो रही है मेरे। तो ग्रीन स्टार का हम रेट बता देते हैं कितना है फिलहाल। ग्रीन स्टार का एक डब्बा आपको लगभग 210 रुपये का पड़ने वाला है, ठीक है, ये 210 रुपये का एक स्टार बढ़ने वाला है। ये ऊपर जाके एक हरा सा तारा छोड़ता है जो कि काफ़ी जने यूज़ करते हैं ये। मेरे हिसाब से ये अगर कोक की देखी जाए तो ये सबसे फेवरेट ब्रांड लोग जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ये वाली करते हैं, ठीक है ना। ये दो ब्रांड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कोक में, ब्रांड नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि रॉकेट में अगर देखा जाए तो ये ग्रीन वाली और ये वाली। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने इनमें से कोई यूज़ की हुई है। वैसे मैंने मोस्टली बचपन में ये की हुई है, ये दोनों यूज़ की हुई हैं, और तब ये 10 रुपये की एक आती थी आसवा जी, तो हम खुले 10-10 रुपये लेके चलाते रहते थे। तो अभी तो ये मेरे ख्याल से 50 रुपये का एक पीस, 50 या 60 रुपये का एक पीस होगा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मुझे बताना कि आपने कौन सी चलाई है। ये वाली भी मैंने चलाई है, पर मुझे ये इतनी खास नहीं लगती, क्योंकि ना ये सिटी बस एकदम मार के शूम करके ऊपर चल जाती है, पर मुझे ज़्यादा बढ़िया नहीं लगती, मुझे वो वाली ज़्यादा बेस्ट लगती है। ये है 400, मतलब कि ये आपको पड़ेगा 230 रुपये के आसपास पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब कि 50% ऑफ कर लो, 400 कुछ रुपये रेट आ रहा है इसका, 63 रुपये, तो ये आपको इतने का पड़ेगा। अब आ गया गोल्डन विडो, जो जिसकी कमेंट आ रहे थे हमें, ये गिरी जा रहा है, इसको रख देता हूँ। अब आ गया इसका, इसके कमेंट आ रहे थे भाइयों, ये चेक कर लो, इसके ये बॉक्स के ऊपर ये लिखा होता है गोल्डन विल्डो क्रैकर, पता नहीं रॉकेट, ठीक है ना, कोक ब्रांड।
ठीक है, जो भी है इसके कमेंट आ रहे थे भैया आपकी डिमांड के ऊपर आ गया, टेस्टिंग भी रात को इसी की जाएगी। तो इसका प्राइस फाइनली मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है 995 रुपये का, लगभग 900 का हाफ आद कर लो 425 रुपये का, 425 रुपये का ये एक बॉक्स पड़ने वाला है आपको, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, तो आज रात को इसी की टेस्टिंग करने वाला हूँ, इसको यहाँ रख देते हैं। फाइनल में ये आ गया इनका सबसे प्रीमियम रॉकेट, सबसे प्रीमियम रॉकेट आ गया ये सारा टिकी नहीं था, सबसे प्रीमियम रॉकेट आ गया ये। रात को मैं इसकी टेस्टिंग नहीं करूँगा, ये मैंने दो पीस अपने लिए ले रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो, बल्कि ऐसे ये मैंने पूरा ले रखा है, ये पूरा का पूरा बॉक्स मिलता है, बल्कि दो पीस का सेट मिलता है, एक का नहीं मिलता। और इसका प्राइस आप देख सकते हो 10,035 रुपये, बल्कि 1,035 रुपये, बल्कि ये आपको 500 लगा लो 520 रुपये का पड़ेगा, या फिर 30 रुपये का, 15 रुपये का पड़ेगा, 520 रुपये के आसपास ये आपको पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलो अब आपको बताता हूँ कि ये सब मोस्टली मैंने सबके रेट बता दिए, वो बार बार आगे पीछे गिर जा रहा है, तो फ्रेंड्स देख लो कितनी मेहनत लगती है, ऐसे आसानी से नहीं बनती, तो मैं मोस्टली सबके रेट बता दिए हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना अभी से। फाइनली ये मैंने बता दिया किस किस के रेट के आते हैं, रेट भी दिखा दिया आपको, आई होप कि अच्छा लगा हो। तो विंडो वाले के ज़्यादा आ रहे थे, गोल्ड विंडो पता नहीं क्या है यार, इसका नाम नहीं लिया जा रहा उसके लिए, सॉरी, वर्ल्ड रो बिल्ड रो जो भी है। तो इसके ओवरऑल मैंने सारे रेट बता दिए हैं, तो चलो अब अंधेरा करते हैं। अंधेरा कैसे करते हैं, यूं हो गया अंधेरा, ऐसे अंधेरा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं इसकी करने वाला हूँ टेस्टिंग, तो टेस्टिंग के लिए मैं फिलहाल, मुझे गोल्ड की ज़्यादा डिमांड आई थी ये वाली की, तो इसके एक बॉल भी खोल के दिखाने वाला हूँ, फिलहाल यही गोल्ड चला के दिखाऊंगा, ये यही वाला ना भाई, आप इन्हीं की टेस्टिंग बोल रहे थे, तो इसकी टेस्टिंग कर देते हैं। ये अस्तबाजियाँ 4-5 है, 9 अस्तबाजियाँ हैं, उनका टेस्ट करेंगे, धड़ाधड़ चला के दिखाएंगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो उससे पहले ना इसका एक बॉल जो ऊपर पड़ गए थे उसका टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर होता क्या है, बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ सीन है, ये है और ये एक रखी हुई है, फिलहाल हम इसको सबसे पहले मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, इसके नीचे फीता होता है, ये दूसरी अस्तबाजी का आधे से ज़्यादा माल तो ऐसे गिर गया, तो इसमें बेसिकली छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। तो ये देख सकते हो सारी अस्तबाजी, इसका हम करेंगे टेस्ट, तो अगर आपने देखनी है तो एंड तक जुड़े रहना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ये कोक का ब्रांड है, कोक का मुर्गा दिखाऊं कहाँ है, मुर्गा 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 मुर्गा, ये देखो कोक का ओरिजिनल, ठीक है ना। तो इसका जो प्राइस है वो 955 है, प्राइस इसका पतली साइड है, ये डब्बे की थोड़ी हालत खस्ता है क्योंकि इसीलिए मैं इसको लाल उठा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो इसका प्राइस, ये रहा देखो 955, ये वाला ऐसे ही गोल्ड येलो में चलेगा, वो जो मेरा दूसरा है जो वो स्टार चलेगा। तो फिलहाल इसको खोल के दिखाता हूँ, तो फिलहाल मेरे पास कुछ है तो है नहीं है, तो मैं ये प्लास और थोड़ी ले आया इसको खोलने के लिए, और थोड़ी से ये डब्बे के अंदर ही मैं इसलिए खोल रहा हूँ ताकि जो रूम में मेरे खिलारना पवे। तो ये आप खोल के देखते हैं, ये बॉल कुछ ऐसी होती है गत्ते की, ठीक है, ये इसको हम खोल लेते हैं, ये पेपर काफ़ी इन्होंने गम लगा के डाला होता है, ये हट जा रे हट जा, देखो मेरे नाखून भी नहीं है, प्लास्टिक की बॉल है ये, ठीक है, मुझे लगता है किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल, ये अच्छे से भरा होता है, अभी ये इसका फीता निकल चुका है इसका, इसलिए ये ऐसी है, तो ये हमने निकाल दी है, खुल जा सिम सिम से खुल जाएगी, खुल गई, ये देखो इसमें भी काफ़ी मटेरियल है, ये बॉल्स ऊपर जाके फटेगी, तो ये देखो फीता इसका अंदर तक आ रखा है, ये फीता इसके नीचे होता है, ए ऐसे ऐसे ऐसे, एक मिनट रखो, ये ऐसे होता है, ये फोल को बॉल को भी हम फोड़ेंगे दिन में, ठीक है, इसको फिलहाल हम टेप टूप लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे इसका जुगाड़, तो इसको फिलहाल हम रख लेते हैं, इसको दिन में फोड़ के दिखाएंगे कि कैसे फूटती है, और अगर आपने दिन में फूटती हुई ये देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो अब ऊपर चलते हैं, ये पोटासियम पटाखे चलाने से पहले ये आपके हाथ में ना लगी हो, इसको हम हैंड वॉश कर लेंगे। तो चलो अब इनकी टेस्टिंग करते हैं, ये अस्तबाजी देख सकते हो कोक की है ये, ठीक है, तो चलो टेस्टिंग करें। ये बॉक्स में 10 होती हैं, एक तो आपके सामने खिलर चुकी है, 4 इधर पड़ी हुई हैं, 5-4 इधर पड़ी हुई हैं, 2 पता नहीं कहाँ हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर आके सेटअप लगा लिया, ये अच्छे से बॉर्डर कर ली क्योंकि ये अस्तबाजी ऊपर से हैवी होती है, बोतलना गिर जाए, तो सारी अस्तबाजी चला के दिखाएंगे। तो पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका, हाँ बल्कि बीच में डब्बा टूट गया था उसके लिए थोड़ा देख लेते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो फ्रेंड्स इसका मुझे डर, ये चल गई टेडी। इसका पहला रॉकेट तो बिंगा चल गया, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि ये बोतल है कि छोटी, कम से कम इसके लिए इतनी चाहिए हमें नाली, जो इसके अंदर
इसको प्रेशर दे सके, जैसे ये प्रेशर बनता है तो ये बाहर आती है तो उड़ जाती है। अब ये टेस्ट करेंगे, अगर ये भी बिंगी गई तो हम आहिस्ता जी इसका इसके लिए कुछ और जुगाड़ करेंगे ताकि ये सीधी जाए। ठीक है, तो फिलहाल एक और टेस्ट कर लेते हैं। तो ये लग गया आग इसको, वो देख। ओहो, सीन है कुछ ऐसा कि जो आहिस्ता जी है ये बियर की बोतल में तो चलने वाली नहीं है, हमने सॉस की बोतल में भी चला के देख ली। रीज़न क्या है, इसके लिए कम से कम नहीं तो इसकी जो नाली आएगी है ना, इसके लिए एक स्पेशल पाइप होता है, वो इतनी अंदर रहती है, ये इतनी पाइप के अंदर होनी चाहिए तब जाके ये सीधी चढ़ेगी, क्योंकि जब तक ये प्रेशर पकड़ती है ये बोतल से बाहर आती है तो इसका बैलेंस नहीं रहता, इसका बैलेंस थोड़ा भिंगा हो जाता है जिसके कारण ये गिर जाती है, तो ये चलेगी सिर्फ नाली में। तो हमने बियर की बोतल में दो बोतलें चला के देख ली, एक थोड़ा बाहर बैठे होते हैं वहाँ चलेगी, मैंने फटी हुई देखी पर काफ़ी अच्छी फटती है ये, पर ये कम से कम नहीं तो इतनी जानी चाहिए बोतल के अंदर। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो कोई आप को कोई पाइप रखना पड़ेगा लोहे का, उसको आप ज़मीन में गाड़ दो या बियर की बोतल में पाइप को डाल के फिर इसको डाल सकते हो आप, जुगाड़ करना पड़ेगा, और वो जुगाड़ हम करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि हमने क्या जुगाड़ किया और इसको चला के दिखा दूंगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, दिल नहीं हारना। तो आज की वीडियो आप कुछ भी कह सकते हो, फ्लॉप भी कह सकते हो, पर आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आपने ये आहिस्ता जी चलानी है तो कम से कम नहीं तो इसकी जो हाइट है, हाइट के हिसाब से आपको इतना ये पाइप में डुबोना पड़ेगा, मतलब कि पाइप जो होता है ना इनके चलने के लिए, कभी आपने देखा हो दशहरे में जो बड़ी बड़ी आहिस्ता जी होती है उनके ऊपर सेम वो इतना पाइप में रहता है जिसके कारण ये पूरा प्रेशर पकड़ के ऊपर जाती है। अगर ये इतना पाइप में रहेगा तो ये सीधी नहीं जाएगी, तो दिक्कत इसमें आएगी आएगी, जैसे ये बाहर आएगी तो ये बिंगी हो जाएगी। रीज़न क्या है कि जब तक ये प्रेशर पकड़ती है तो ये बाहर आ जाती है, तो इसका नीचे से बैलेंस नहीं रहता। अगर ये पाइप में रहेगी तो क्या होगा, इतना पाइप में होगी तो ये इतनी बाहर आ जाएगी, बाहर जब तक ये इतनी बाहर आएगी तब तक ये पूरा प्रेशर पकड़ लेगी तो ये सीधी ऊपर जाएगी। तो इसका मैं जुगाड़ करूंगा और इसको खुले में जलाऊंगा जिसमें कि रिस्क कम हो। यहाँ मैं अभी मैं थर्ड फ्लोर पे चला रहा था, ठीक है, फ्लोर है इसके ऊपर, उसके ऊपर छत है, बल्कि सोच लो कि अगर मैं उसके ऊपर चला रहा हूँ उसके ऊपर भी ये प्रेशर नहीं पकड़ पा रही, तो अगर नीचे चलाई होती तो क्या होती, ये ऐसे दीवार के साथ टकरा के किसी के घर में बढ़ जाती। अभी क्या हुआ, मैंने चलाई और नीचे गई, आपको वीडियो में दिखी गया होगा, और वहाँ नीचे बैठे भी होते हैं तो गर्मी होती है ना। तो इसका जुगाड़ करके जब चलाऊंगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि जो मंडे के बाद, एक हफ्ते में आपको तीन वीडियो देता हूं उसके बाद चलाऊंगा तो आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, याद रखना कि जब भी बड़ी आहिस्ता जी चलाओगे, खासकर जिसके ऊपर वजन हो, एक तो ये आहिस्ता जी होती है, एक के ऊपर होता है आलू बम, ठीक है, आलू बम वो होता है, उसके ऊपर सिर्फ सेबे वाला बम पड़ा होता है, उसके लिए भी आपको इतनी चाहिए, मतलब कि कम से कम ये 2 फुट की आहिस्ता जी है, तो इसके लिए कम से कम ये आपको 1.5 फुट से 2 फुट में इसमें आपको इसको प्रेशर देने के लिए बोतल या पाइप देना पड़ेगा। इतना बड़ी बोतल तो होती नहीं है, पर फिर भी आपको पाइप में रखनी पड़ेगी तो आपकी आहिस्ता जी सीधी जाएगी। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जो इसकी ऊपर वाली बोल है वो मैं आपको ग्राउंड में एक बार फोड़ के दिखाऊंगा, वो मैंने आपको खोल के दिखा दी, एक बार दिखा देता हूँ, ये हमने खोल के दिखा दिया है। तो आपको इसको मैं नेक्स्ट मंडे में जो भी वीडियो आएगी उसमें आपको ये मैं खोल के दिखा दूंगा, बजा के दिखा दूंगा, खोल के दिखा दिया। तो आज के लिए इतने काफ़ी, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू बहुत, वीडियो इसी तरह सपोर्ट करते रहे। घर में ये आपने पंगे नहीं लेने, खासकर छोटे बच्चे पंगे मत लेना। तो बाय, थैंक यू बहुत वीडियो।